दोस्तों लाडली सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि लाडली पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा 2006 में लागू की गई ऐसी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत वो परिवार जिनमें केवल लड़कियां हैं वो इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए कौन लोग पात्र हैं, आप इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की इसके अंतर्गत जरूरत होने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय जो आयु सीमा लाभार्थी की रखी गई थी वो 55 वर्ष थी और बाद में इसको घटा करके 45 वर्ष कर दिया गया था। जब ये शुरू की गई थी उस समय केवल 300 रुपए की राशि लाभार्थी के लिए रखी गई थी, अभी 2021 में इसको 2500 रुपए कर दिया गया है। पहले इस योजना के अंतर्गत माताजी या पिताजी किसी की भी आयु 45 वर्ष होने के बाद वो इसको अप्लाई कर सकता था, लेकिन अभी इसको बदल करके केवल माताजी की उम्र 45 वर्ष होने के बाद ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो राशि है वो केवल माताजी के अकाउंट में ही आती है। अगर माताजी गुजर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में पिताजी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आपको इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और ऑनलाइन आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। दोस्तों लाडली पेंशन योजना को अप्लाई करने से पहले हम जरूरी दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं। आगे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको कैसे अपलोड करने हैं, कैसे उनको आपको फिल करना है, आपको पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। जितने डॉक्यूमेंट आपको यहां पे मैं बताऊंगा सभी डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल सही से और पूरे रखने हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक या गलती उनमें नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक है या कुछ कमी है तो उसको आपको ठीक करा लेना है, उसके बाद आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपका परिवार पहचान पत्र है यानी कि फैमिली आईडी है उसमें आपकी जो डिटेल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका अकाउंट लड़की के माताजी और पिताजी का नाम वो बिल्कुल सही होना चाहिए और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। तो दोस्तों चलिए अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं आपको इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की सही जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है एज प्रूफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो लड़की रहेगी उसका एज का प्रूफ यहाँ पे आपको देना होगा, जिसमें आप जो गर्ल है उसका बर्थ का सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो एज प्रूफ, जो कैंडिडेट रहेगा जो माताजी रहेंगी उनका जो एज का प्रूफ है उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे किस किस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं माताजी का, या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट, जो स्कूल का सर्टिफिकेट रहेगा वो 10th से ऊपर का होना चाहिए यानी कि 10th क्लास तक का होना चाहिए। यदि उनका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, उसके बाद उनका 5th क्लास या 3rd क्लास या 2nd क्लास या किसी भी क्लास का उनका जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपको इस चीज को ध्यान से देखना है, सुनना है कि जो रिकॉर्ड रहेगा, जो स्कूल का अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहेगा, जो हाजिरी का जो रजिस्टर रहता है उसकी उनको फोटो लेकर के वो साथ में अटैच करनी है। अगर उनकी 10th नहीं की हुई है तो आपको उनका जो हाजिरी का जो रजिस्टर रहेगा अटेंडेंस का, वहां से उनकी जो पिक्चर लेकर के वो अपलोड करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास गलत या सर्टिफिकेट गलत तरीके से वो दिए जा रहे हैं। इस कारण अब गवर्नमेंट ने ये रूल अलग से बना लिया है कि अगर आप 10th से कम का सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद आपको हाजिरी की रिकॉर्ड वहां पे देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास वोट कार्ड है तो आप आराम से वोट कार्ड वहां पे दे सकते हैं, आपको इन सब डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की। तो थर्ड डॉक्यूमेंट में आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो आपको कैंडिडेट का जो रेजिडेंस डोमिसाइल जो रहेगा वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पे डोमिसाइल लगा करके उनका जो एड्रेस प्रूफ है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो राशन कार्ड रहेगा, तो आपको कैंडिडेट का जो राशन कार्ड है वो साथ में अटैच कर देना है। जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है इसमें आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड में आपको ध्यान से सुन लेना है, इसमें आपको लड़कियां जो रहेंगी उनमें सिर्फ दो ही लड़कियों के आधार कार्ड और फोटो आपको जरूरत पड़ेगी, उन्हीं के आपको लेने हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी भी लड़कियां रहेंगी उनमें से केवल आपको 2 के ही डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको सिर्फ लड़कियों के आधार कार्ड वो भी 2 और साथ में उनकी जो माताजी रहेंगी उनके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्स्थ डॉक्यूमेंट की। इसमें आपको प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट सरपंच के नेम से और स्टैंप से आपको देनी होगी, मैं आपको दिखा देता हूं।
तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं जो प्री वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो ये वाली रिपोर्ट आपको जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों इसको कैसे आप फिल करेंगे पूरी जानकारी आपको आगे मैं देने वाला हूं, आपको कैसे ये फिल करना है। इसी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और मैं फिल करना सिखाऊंगा कि आपको वो कैसे फिल करना है, पूरी जानकारी आपको आगे इसके बारे में मैं देने वाला हूं। तो चलिए आपको मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए ये खोला हुआ है ताकि आप इसको देख पाएं कि आपको जो रिपोर्ट है वो कौन सी है और कौन सी रिपोर्ट आपको इसमें लगानी है। इसमें दो पेज हैं, एक ये है और सेकंड पेज ये वाला है। तो शपथ पत्र साथ में लगेगा और साथ में आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो चलिए मैं आगे आपको इसको भरना सिखा देता हूँ। पहले मैं डॉक्यूमेंट आपको क्लियरली बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको इसमें जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों प्री वेरिफिकेशन फॉर्म के बाद आपको यहाँ पे बैंक पासबुक, तो दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान से सुन लेनी है, इसमें जो आप पासबुक देंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए और साथ में एक्टिव कंडीशन में उनका जो अकाउंट है वो होना चाहिए। जो मदर रहेगी, जो कैंडिडेट रहेगा, जो आवेदक होगा, जो माताजी रहेंगी, उनका जो पासबुक है वो एक्टिव कंडीशन में होनी चाहिए, यानी कि जो खाता है वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए और साथ ही साथ उनका जो आधार कार्ड है वो उसके साथ लिंक होना चाहिए और माताजी के नाम होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। इसमें 8 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको एफिडेविट की जरूरत होगी। तो एफिडेविट आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि आपको दो फॉर्म भरने हैं, एक ये एफिडेविट है और एक फॉर्म है, एक शपथ पत्र है। तो मैं ये आपको बता देता हूं कि कैसे फिल करने हैं और कैसे अटैच करने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर ऐसी ही जानकारियां आप अपने फोन पे लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको भविष्य में ऐसी जानकारियां लगातार आपके फोन पे मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं ऑल डॉक्यूमेंट्स मर्ज इन 1 MB PDF। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे आपको दोस्तों जो ऑल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जितने भी मैंने आपको ऊपर ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको 8 के 8 डॉक्यूमेंट जो रहेंगे और इनका जो एक PDF बनाना है और 1 MB से कम इनका जो है साइज होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है इनका जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक PDF बना लेनी है और एक PDF बना के और 1 MB से कम उसका साइज रखना है। तो आगे आपको ये अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं मैं आपको आगे वो सब बताने वाला हूं। 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी अलग अलग एक एक PDF भी आपको अलग से बना के रखनी है। आपको 8 के 8 डॉक्यूमेंट ये इकट्ठे रखने हैं एक PDF के साथ, और साथ ही साथ आपको जो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी भी एक PDF आपको अलग से बनानी है। तो आपको कोशिश करनी है कि 200 KB से कम हो, जो सिंगल सिंगल आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे इनमें आपको जो फाइल बनानी है वो 200 KB से कम होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि आगे आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्री वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट सरपंच वाली मैंने आपको बताई थी वो कैसे फिल करनी है, और एफिडेविट आप कैसे लेंगे और आपको कैसे वो फिल करना है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एफिडेविट की बात कर लेते हैं, आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है। तो दोस्तों आपको 10 रुपये का एफिडेविट ले लेना है और उस पर क्या मेंशन करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको जो आपका एफिडेविट रहेगा उस पर लिखवाना है मैं, जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो माताजी रहेंगी उनको अपने नाम से ये एफिडेविट बनवाना है। यहां पर लिखवाना है मैं और जो माताजी रहेंगी उसका नाम और उनके जो पति का नाम, वाइफ ऑफ, उनके पति का नाम लिखना है। उसके बाद निवासी, गांव, तहसील, जिला और उसके बाद जहां की स्थायी निवासी है वो लिख देना है। उसके बाद मैं हल्फिया बयान करती हूं यह कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूं, और नंबर 2 यह कि मेरा आधार कार्ड बना हुआ है और जिसका नंबर है वो आपको यहां पे लिख देना है। उसके बाद नंबर 3 पे यह कि श्रीमती जो माता जी रहेंगी अपना नाम लिख के, और जिस डेट को उन्होंने लड़की को जन्म दिया है उस लड़की का यहाँ पे डेट लिख देनी है। अपने गर्भ से एक पुत्री को जन्म दिया है जिसका नाम आपको लिख देना है। उसके बाद नंबर 4 पे यह है, इसके अलावा हमारे पास कोई लड़का नहीं है या गोद लिया हुआ कोई पुत्र नहीं है, वह ना भविष्य में कोई लड़का गोद लेंगे। तो ये यहाँ पे नंबर 4 पे आपको लिख देना है। उसके बाद नंबर 5 यह है कि मैं लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आवेदन कर रही हूँ। और नंबर 6 पे आपको लिखना है यह कि उपरोक्त बयान मैं अपने होश हवास में दे रही हूं, जिसका मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, जिसकी मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। उसके बाद आपको यहां पे अपने जो सिग्नेचर हैं वो यहां पे कर देने हैं। जो आवेदक है, जो माताजी रहेंगी, वो अपना यहां पे सिग्नेचर कर देंगी। उसके बाद आपको तस्दीक करता हूं करती हूं बयान मेरे ज्ञान और विश्वास से सही है,
इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है और यहाँ पे आपको फिर से एक बार साइन कर देने हैं। उसके बाद आपको यहां से जो अटेस्टेड करा लेना है, अटेस्टेड जो आप तहसील वगैरह से इसको अटेस्टेड करा सकते हैं। ये अटेस्टेड कराने के बाद आपको ये रख लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपके सरपंच की रिपोर्ट रहेगी, जो प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, जो आपको सरल पे जिस टाइम पे आप अप्लाई करोगे उस पे आपको ये डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, लेकिन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। वहां से डाउनलोड करके पहले से आपको ये तैयार करके रख लेना है ताकि आपको इसमें आगे जरूरत पड़े और वहां से आप बाईपास अप्लाई कर सकते हैं, आपको फॉर्म जो है वो डाउनलोड नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और कैसे इस पे आप सिग्नेचर कराएंगे। और डाउनलोड आपको मैंने बता दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लिए आवेदन पत्र। तो आपको जो ऊपर यहां पे ये दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहां पे जो आपका जिला है वो मेंशन कर देना है, जिस जिले से आप हो वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आप जिस खंड से हो उस खंड का नाम, जैसे कि आपका जो तहसील रहेगी वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको अपना गांव या आप जिस वार्ड से हैं, अगर शहर के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे वार्ड मेंशन कर देना है। उसके बाद आवेदन की तिथि, जिस तिथि को आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके बाद अगर माँ जीवित है, यदि आप माता जी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो माता जी के नाम से अप्लाई करना है अगर जीवित हैं, अगर जीवित नहीं है तो उसके बाद आप जो पिताजी हैं उनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको आवेदन के पिता पति का नाम, यानी कि अगर आप माताजी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो उनके हस्बैंड रहेंगे उनका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, और यदि आप एक पिताजी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आपको पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है, और अगर आप माताजी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप पहले पिताजी का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हस्बैंड रहेंगे उनके पिताजी का नाम लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे डाल देना है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको माताजी का नाम डालना है, यहाँ पे माताजी का नाम डालने के बाद उनके पति का नाम यहाँ पे डालना है, और जो पति जी पति रहेंगे उनके जो फादर रहेंगे उनका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको जो स्थायी पता रहेगा वो पूरा पता यहाँ पे आपको डाल देना है, और जो आयु रहेगी वो मैंने आपको बता दी, 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 45 साल के बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी आयु जो है वो 45 वर्ष क्रॉस होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो डाक का पिन रहेगा वो पिन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप बैंक की जो पासबुक देंगे उसका यहाँ पे आप अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से मेंशन करेंगे, और साथ में जो ब्रांच का आईएफएससी कोड है आपको जो न्यू कोड है बिल्कुल पता करके उसके बाद यहाँ पे डालना है, और बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप जो आवेदक रहेगा, जो उसके बच्चे हैं यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़की है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है, और साथ में जो उनका जो प्रमाण पत्र जो संलग्न कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं या स्कूल का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और जितनी जो लड़कियाँ रहेंगी उनका सिर्फ दो का ही आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और दो उनकी जो फोटोज हैं वो अपने पास रखनी है, यानी कि जो लड़कियाँ रहेंगी उनमें से दो लड़कियों की फोटो आपको अपने पास रखनी है, और लास्ट वाले कॉलम में महिला यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पे जो ऊपर आप कैटेगरी देख रहे हैं एससी बीसी, ये आप अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पे आपको जो आपकी कास्ट कैटेगरी है, जो जाति है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि ये सामान्य है तो मैंने यहाँ सामान्य किया हुआ है, तो आप उसी हिसाब से अगर बीसी हैं एससी हैं जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं गरीबी रेखा सूची संख्या, तो यदि उनका जो बीपीएल कार्ड है, जो कैंडिडेट है अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ है, पीला राशन कार्ड उनका बना हुआ है, तो उनका जो राशन कार्ड संख्या है वो यहां पे डाल देनी है। उसके बाद क्या आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी है, तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डोमिसाइल भी लगाना होता है। परिवार की जो वार्षिक आय है यहाँ पे 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो उनकी वार्षिक आय है, जो परिवार पहचान पत्र में उन्होंने वार्षिक आय लगवाई हुई है, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, जो यहाँ पे कॉलम बना हुआ है यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर लिख देना है।
उसके बाद ये जितना डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के बाद आपको इसी के साथ सेकंड पेज भी भरना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको फिलअप आपको करना है। तो दोस्तों ये भी आपका जो एफिडेविट है बिल्कुल उसी तरह से आपको ये भी फिल करना है, लेकिन ये आपका जो प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसके साथ लगेगा। ये आपके तीन हो गए जो मैंने आपको एक एफिडेविट बताया, और दो ये पेज हैं जो मैंने आपको अलग से बताए हैं, ये दो पेज आपके प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने एफिडेविट में भरा था बिल्कुल सेम ऐसे ही ये फिल करना है आपको। मैं श्री श्रीमती, आपको यहाँ पे जो माताजी रहेंगी जो आवेदक रहेगा उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद पुत्र पुत्री या पत्नी, उनके जो हस्बैंड रहेंगे उनका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। निवासी, आपको गांव का नाम लिखना है, तहसील लिखनी है, और जिला और हरियाणा यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ करती हूँ, और ये यहाँ पे पूरा आपका पहले से लिखा हुआ होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद सत्यापन संबंधित सरपंच, जिसके आप यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे, जिससे वेरिफिकेशन कराएंगे, तो प्री वेरिफिकेशन फॉर्म है तो वेरिफिकेशन आपको करानी होगी, तो आपको यहाँ सरपंच से वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे सरपंच से वेरिफिकेशन कराने के बाद उनका जो नाम रहेगा यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको उनका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको जो पद रहेगा, जिस पद पे वो हैं, आप वार्ड परिषद से हैं या फिर सरपंच हैं या जिस भी पद से वो हैं, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद उनका पद जो है वो यहाँ पे आपको दिखा देना है कि कौन से पद पे वो हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो डेट रहेगी, जो तिथि रहेगी, वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको हस्ताक्षर जो हैं वो यहाँ पे करवा लेने हैं। जो सरपंच रहेगा उसके यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करा लेने हैं। उसके बाद आपको जो आपकी अटल सेवा केंद्र की जो मोहर रहेगी वो यहाँ पे आपको लगवा देनी है। जो स्टैंप रहेगी वो यहाँ पे आपको लगवा देनी है। उसके बाद आपको जो तो यहाँ पे आपको टोटल जो डिटेल रहेगी वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। बस यहीं तक का आपका कार्य है, और उसके बाद जो आपकी प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो तैयार हो जाती है। बस नीचे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहीं तक का काम है जो आपको ऊपर जो मैंने बताया, बस इतना ही आपको फिलअप करना है। ये फिल करने के बाद आपको सरल पे चले जाना है। चलिए मैं सरल पे चला जाता हूँ। तो दोस्तों पूरे डॉक्यूमेंट करने के बाद, प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एफिडेविट और पूरे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ तैयार करने के बाद, आपको मैंने बताया जितने आपको 8-9 डॉक्यूमेंट मैंने बताए उनका पूरा एक आपको पीडीएफ तैयार कर लेना है। और लड़की की फोटो आपको अपने पास रखनी है, और जो लेडीज रहेंगी जो अप्लाई कर रही हैं, आवेदक हैं, जो माताजी हैं, उनका जो फोटो है वो भी अपने पास रख लेना है। आपको फोटो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में रखना है। जो दोनों फोटो रहेंगी, जो उनकी लड़की रहेगी और जो माताजी रहेंगी, दोनों की जो फोटो है वो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में अपने पास सेव करके रख लेनी है, अपना जो डिवाइस है उसके अंदर। उसके बाद आपको सरल पे आ जाना है। सरल पे आने के बाद अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। लेकिन प्रोसेस बताने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी डॉक्यूमेंट की आपको 1 MB फाइल बना लेनी है। 1 MB की फाइल कैसे अपलोड होगी आगे आपको मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी की एक एक पीडीएफ अलग से बनानी है, जो 200 KB में रहेगी, और पूरे 8 डॉक्यूमेंट जितने रहेंगे उनकी एक पीडीएफ 1 MB के साइज में बना करके रख ले। तो दोस्तों जैसे ही आप सरल पे लॉगिन कर लेते हैं, सरल पे लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज में चले जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस खुल जाती है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाता है। आपको सर्च में चले जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्च में चले जाना है। यहाँ पे जाकर के आपको लाडली लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाडली लिख देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लाडली लिखेंगे तो लाडली पेंशन स्कीम आपके सामने खुल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस करके आ गई है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पॉपअप खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको इस पॉपअप पे एक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप चाहें तो वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही वो फॉर्म दे दिया है, वहाँ से भी आप उसको भर करके और लगा सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्म के बारे में आपको पहले बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से आपको ये फॉर्म दिखाई देगा। तो ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है वो भरने के बारे में भी आपको पूरा कैसे आपको ये फिल करना है वो बता चुका। तो आप इस फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे और फिल करके अपने पास रख लेंगे और जब अप्लाई करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत आपको होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको आगे अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाता है, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो एप्लीकेशन डिटेल थ्रू फैमिली आईडी करनी है, यानी कि आपको जो आपकी फैमिली आईडी रहेगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो फैमिली आईडी है, जो आवेदक है उसकी फैमिली आईडी अपने पास रखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है आई हैव फैमिली आईडी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपकी फैमिली आईडी रहेगी वो यहाँ पे फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स में आपको जो एप्लीकेंट की फैमिली आईडी रहेगी वो फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो ओटीपी रहेगा वो कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे, जो पीपी कार्ड में उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर चला जाएगा। उसको आप लेके यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल के और ये कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ओटीपी डाल लिया है। ओटीपी डालने के बाद आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रिकॉर्ड मैच हो जाएगा। रिकॉर्ड मैच होने के बाद आपको प्लीज़ सेलेक्ट, तो आपको यहाँ पे जो माताजी रहेंगी उनको सेलेक्ट करना है। माताजी को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक हेयर फैच फैमिली डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद इस प्रकार से फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे बेटों की संख्या आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेटों की संख्या, तो यहाँ पे आपको जीरो फिल करना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डॉटर, जितनी उनकी डॉटर रहेंगी 1, 2, 3, 4 जितनी भी हों फैमिली में, तो वो यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जो डाटा रहेगा वो ऑटो फिल उनका जो फैमिली आईडी से रहेगा वो ले लेगा। ये आपको इसमें कुछ ही डिटेल अपने पास से डालनी होगी, जितनी भी डिटेल रहेगी वो फैमिली आईडी से ऑटो फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको, तो चलिए मैं यहाँ पे जो बेटों की संख्या है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको जीरो करना है और जो बेटियों की संख्या रहेगी आप अपने जो कैंडिडेट रहेगा उससे पूछ करके यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको एड्रेस इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और जो नेक्स्ट बॉक्स रहेगा उसमें भी आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ इसको फिल कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही आप एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे आपको हिंदी में एड्रेस फिल करना है। जो सेकंड जो बॉक्स रहेगा इसमें हिंदी में और जो फर्स्ट बॉक्स रहेंगे इसमें आपको इंग्लिश में डालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट में चले जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपको डाल देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद सेकंड साइड में जो है आपका हिंदी में आ जाएगा। अगर आपका यहाँ से हिंदी नहीं है तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और एक साइड में आपका इंग्लिश रहेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी के अक्षर ही यूज करने हैं। अगर आप इसमें इंग्लिश के अक्षर यूज करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी के अक्षर यूज कर रहा हूँ और आपको भी ये हिंदी के ही अक्षर यूज करने, तो आपको भी जो सही सही डिटेल रहेगी वो यहाँ हिंदी में आपको डाल देनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी इंग्लिश के या फिर न्यूमेरिकल कोई भी अक्षर यहाँ पे ना हो, तो ऐसे आपकी फिल नहीं होगी। उसके बाद आपको जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी वो आपको डाल देनी है। ये डालने के बाद आप यहाँ से जो बॉक्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आप जो माताजी रहेंगी उनका जो फ़ोटो है यहाँ पे लगाएंगे, जो एप्लीकेंट फ़ोटो है इसकी जगह पे आप ब्रोज करके फ़ोटो लगाएंगे। आप यहाँ पे जो कैमरे से अपने पिक्चर भी ले सकते हैं, उसके बाद भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कैंडिडेट की पिक्चर लगा देता हूँ। तो माताजी की जब फ़ोटो आप यहाँ पे लगाएंगे उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो साइज़ रहेगा वो 20 KB से लेकर के और 50 KB के बीच में रहना चाहिए और जो उसका रेजोल्यूशन रहेगा वो 500 से लेकर 300 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो उनकी डिटेल रहेगी वो ऑटो फिल होके जो पीपी कार्ड है उससे आ जाएगी। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो पीपी कार्ड रहेगा
वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि उसमें कुछ कमी है तो उसको खोल करके पहले आपको ठीक कर लेना है, उसके बाद यहाँ आके अप्लाई करना है ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद दो बार परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों आप उसको सही से फिल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशनर सरकार से, अर्थ सरकारी बोर्ड निगम आदि से कोई पेंशन वगैरह तो नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। यदि वो पेंशन ले रहा है तो वो इस चीज़ का हकदार नहीं है कि वो यहाँ पे पेंशन के लिए अप्लाई कर सके। तो उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट चाइल्ड वन, तो यहाँ पे आपको उसका चाइल्ड का नेम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है, उसका जो नेम रहेगा वो डाल देना है और उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद जो जो लड़की रहेगी, जो लाडली रहेगी, उसकी जो पिक्चर है यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो आपको सिंपली जो पिक्चर है वो यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे लगाने के बाद और ये भी जो इसका साइज रहेगा उसका 20 KB से लेकर के 50 KB तक रहना चाहिए, ना 20 KB से कम होना चाहिए ना 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए। और जो इसका रेजोल्यूशन है वो 500 से लेकर के और 300 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। अभी यहाँ पे प्री वेरीफाइड पूर्व सत्यापित, यानी कि आपको यहाँ सत्यापित कराना है जो फॉर्म है जो मैंने आपको फिल करके दिखाया है, उसका जो वो सरपंच से या फिर वार्ड परिषद से। यदि आप शहर के रहने वाले हैं तो आप अपने MC से कराएंगे, यदि फिर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप सरपंच से इसको वेरीफाइड करा करके उसके बाद इसको सबमिट करना है। तो उनका नाम जो है यहां पे मेंशन करना है आपको। तो पिक्चर लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से वेरीफाइड करना होगा, आप सरपंच से या फिर MC से इसको वेरीफाइड करा सकते हैं। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आप MC से कराएंगे, यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो आप सरपंच से इसको वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद आपको इधर दूसरी साइड में सरपंच का नेम लिख देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो वेरीफिकेशन कोड है वो नीचे डाल के यहाँ पे उसके बाद वेरीफाइड होने के, तो दोस्तों पिक्चर लगाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे सरपंच से सत्यापित कराना है, यानी कि उसको वेरीफाई कराना है, सरपंच के पास जाना है और वो सिग्नेचर करके और इसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद सेकंड जो बॉक्स है इसमें सरपंच का जो नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सरपंच का नाम लिख देना है। तो दोस्तों पिक्चर लगाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्री वेरीफाइड बाय पूर्व सत्यापित, यानी कि आपको यहाँ सरपंच या फिर जो MC से ये वेरीफाई कराना होगा। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आप वार्ड मेंबर से इसको, यानी कि MC से इसको वेरीफाई कराएंगे। यदि आप एक गांव के रहने वाले हैं तो आप सरपंच से इसे वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद आपको यहां पे जो सरपंच है उसका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो बॉक्स में डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक होने के बाद कुछ टाइम लेगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो आपकी डिटेल है वो खुल के आ जाती है, जो आपने फिल की है वो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। आपको यहाँ पे देखिए जो नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो सबसे पहले जो ऑप्शन है अटैच अनेक्सर, तो यहाँ पे आपको जो फाइल है आपके पास जो मैंने आपको पहले बताई है पूरी की पूरी जो फाइल है वो यहाँ पे आपको अटैच करनी है। और जो एडिट है यहाँ से आप अगर कुछ गलती इसमें हो गई है तो एडिट कर देंगे और एडिट करने के बाद उसको ठीक कर लेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, आप बड़े ध्यान से इसको देख लेना है। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशन जो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अटैच इसके साथ अनेक्सर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अटैच अनेक्सर पे क्लिक करते हैं, अटैच अनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आपके बाद इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाता है। तो आपको सबसे पहले प्री वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लाडली, जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी एक PDF बनानी है और PDF बना के आपको यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद आपको प्री वेरीफिकेशन फॉर्म, जो आपका प्री वेरीफिकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे दोबारा से अपलोड कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ प्रूफ चाइल्ड वन, यानी कि जो लड़की रहेगी उसका जो प्रूफ है चाइल्ड वन का, या यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ब्रोज करके और उसको डाल देना है। उसके बाद हरियाणा रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे लगा देना है। बर्थ एज प्रूफ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जो कैंडिडेट रहेगा जो आवेदक रहेगा उसका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे है बना हुआ वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ ब्रोज करेंगे और उसको अटैच कर देंगे। उसके बाद लाडली सर्टिफिकेट एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है लाडली का तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं और उसके बाद इसको सेव अनेक्सर पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्री वेरिफिकेशन फॉर्म में जो आपने
सरपंच की या एमसी के जो सिग्नेचर करा के और वेरिफिकेशन कराई है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके और चूज कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ रहेगा चाइल्ड का वो यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद हरियाणा रेजिडेंस जो प्रूफ रहेगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल, वो यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद बर्थ एज प्रूफ यहाँ पे आपको चूज करके और लगा देना है। जो कैंडिडेट रहेगा, जो माता जी रहेंगी, वो यहाँ पे आपको लगा देनी है। देखिए यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जो आप सही समझें और उनके पास हो और एज भी उनकी सही हो, 45 साल पूरा हो गया हो, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद लाडली सर्टिफिकेट एडिशनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो लाडली का कोई अलग से डॉक्यूमेंट रहेगा वो यहाँ पे आप चूज करके लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। आप डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। तो सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेमेंट रहेगी वो यहाँ से 30 रुपये जो पेमेंट है वो आपको कट करा देनी है। आपको अपना जो वॉलेट नंबर है वो डाल के यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करने के बाद आपको जो पेमेंट है वो कर देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पे आ जाते हैं, इस पेज पे आने के बाद आपको पेमेंट कट करा देनी है। पेमेंट कट होने के बाद आपको जो एफिडेविट है, आधार कार्ड है, लड़की का आधार कार्ड है, जो रिपोर्ट है एमसी या सरपंच के आपने साइन कराए हैं, राशन कार्ड है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है और जो एज का प्रूफ है, वोट कार्ड सर्टिफिकेट या जो भी हो आवेदक का, वो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लेने हैं। और जो यहाँ से आपको प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट आपको निकाल लेना है और इन बाकी डॉक्यूमेंट के साथ लगा देना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, जो आपने एफिडेविट बनवाया है, आधार कार्ड है, जो लड़की का आधार कार्ड है, रिपोर्ट एमसी या सरपंच की जो आपने वेरिफिकेशन कराई है, राशन कार्ड, रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट रहेगा, एज का जो प्रूफ रहेगा, वोट कार्ड सर्टिफिकेट जो उनकी माता जी का है, वो सभी डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठे करने हैं। और इकट्ठे करने के बाद आपको इनकी जो एक कॉपी है और वेरिफिकेशन के लिए आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये समाज कल्याण विभाग में चले जाना है, जो जिला समाज कल्याण विभाग है वहाँ पे चला जाना है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जमा करा देने हैं। और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो आपकी लाडली पेंशन है वो शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर ऐसी जानकारी आप लगातार अपने फ़ोन पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।